नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुरु। हाँ जो दोस्तों, आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही किसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, और आज की चर्चा जो है शनि देव के ऊपर है। 23 मई 2021 से शनि देव मकर राशि में उल्टी चाल चल रहे थे, लेकिन अब 11 अक्टूबर 2021 से सीधी चाल चल पड़े। मकर राशि में 29 अप्रैल 2022 तक मार्गी रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे। शनि के मार्गी होने से कई लग्न वालों को लाभ होगा, साथ ही देश दुनिया पर भी शनि के मार्गी होने का विशेष प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, शनि जैसे हम जानते हैं न्याय के देवता भी हैं। शनि आपके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। ये हमारे कर्मों पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि शनि हमारे लिए किस प्रकार से फलदायी साबित होंगे। यदि हम सब अच्छे कर्म करते हैं तो शनि अच्छा रिजल्ट देंगे, और यदि बुरे कामों में शामिल हैं तो अवश्य ही शनि देव जो है अपना बुरा प्रभाव हम सब पर डालते हैं। शनि देव के मकर राशि में मार्गी होने पर सभी 12 लग्न वालों पर क्या क्या प्रभाव होने जा रहा है, आज की चर्चा इसी पर। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि तो जो भी वीडियो अपलोड करें, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कसपल इंटरलिंक थ्योरी, आप उसे मिस ना करें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। मेष लग्न के जातकों के लिए शनि जो है उनके 10th भाव यानी कि कर्म भाव में मार्गी हुए हैं। दोस्तों, शनि के मार्गी होने से आपको काम काज में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि आपके कैरियर में उतार चढ़ाव आ रहे थे तो वह अब दूर होने लगेंगे। इस दौरान आप अपने पेशेवर जीवन में सेटिस्फेक्शन जो है उसे महसूस करेंगे, और इसके अलावा इस दौरान कैरियर में स्थिरता और विकास भी आप देख सकते हैं। तो इस समय आपको अपनी योग्यता और क्षमता साबित करने के कई मौके मिलेंगे। जो लोग एग्रीकल्चर का या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम या वाहन आदि खरीदने बेचने का काम या कोई इंडस्ट्री, मशीनें, लोहे का सामान, फर्नीचर, घरेलू सामान, स्टेशनरी, लकड़ी का काम, ईंट भट्टों का काम, किसी इंजीनियर इंजन के ऑपरेटर हो या टीचर हो, ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, पेंटर, खदान से संबंधित काम, ऑयल मिल के काम जो है, सीमेंट उत्पादक या स्पेयर पार्ट्स का काम करने वाले जितने भी ये लोग हैं, इन सब के कामों में गति आएगी और ये सब लोग अच्छा खासा अब मुनाफा कमाएंगे। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न के जातकों। वृषभ लग्न के जातकों के लिए शनि योग कर्क है। ये वृषभ जो लग्न है उन जातकों के 9th और 10th भाव के स्वामी होते हैं, और यह आपके अभी 9th भाव में मार्गी हुए हैं। दोस्तों, इस दौरान कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याएं एक एक करके अब खत्म हो जाएंगी। ताकि के नए अवसर जो हैं, मौके आपको अभी मिलेंगे। माता पिता का सहयोग मिलने से मानसिक दबाव जो है वो कम होगा, आपके सामाजिक जो दायरा है उसका वो बढ़ेगा, विकास होगा। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग जगह बनाने के लिए और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अत्यधिक मेहनत करने की अभी जरूरत और पड़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो काफी लंबे समय से अटका हुआ था वे अब होने जा रहा है, और कोई ना कोई नया ऑर्डर भी वृषभ लगन के जातकों को मिलने जा रहा है। बात कर लेते हैं मिथुन लगन के जातकों के बारे में। मिथुन लगन के जातकों के लिए शनि 8th भाव यानी कि विरासत, गुप्त शिक्षा और रहस्य आदि के भाव में मार्गी हुए हैं। मिथुन लगन के वे स्टूडेंट जो किसी तरह की रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दौरान अपने सब्जेक्ट को सही और गहराई से समझने और उन पर रिसर्च करने के कई अवसर मिलेंगे। शनि जो मिथुन राशि के लोग हैं, अब उनकी बात करूं, मैं लगन की बात की, अब राशि की बात करूं जिनके लगन में ही चंद्रमा हो। शनि की ढया से पीड़ित इस राशि के लोगों को कैरियर में भी पॉजिटिव परिणाम मिलने शुरू होंगे। भाग्य का साथ मिलने से सभी अटके हुए काम पूरे होंगे। यदि किसी तरह की कोई जो मिथुन लग्न के लोग हैं
इंश्योरेंस का पैसा रुका हुआ था वह आप इन लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। किसी तरह का रुका हुआ पैसा जो सोच चुके थे आप लोग की वापस नहीं आएगा वो भी अचानक से आपको मिल सकता है। सोने चांदी का काम करने वाले या सोना चांदी जेवरात को गिरवी रखने वाले जो लोग हैं या भाषण कला से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सब के लिए समय जो है अच्छा रहेगा, अच्छा मुनाफा ये लोग सभी गेन करेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की इंजीनियरिंग का काम से जुड़े जो लोग हैं, एट भाव इंजीनियरिंग का भी होता है, तो ऐसे सभी लोग जो है इनको अब अच्छा खासा लाभ होने जा रहा है जिसका पिछले काफी लंबे समय से ये राह जो है देख रहे थे। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न के जातकों के लिए शनि जो है उनके सेवंथ भाव में ही मार्की हुआ है, इसलिए शनि का आपके जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान पिछले कई दिनों से चली आ रही आपकी जो पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी समस्याएं थी वो अब खत्म होगी। किसी बड़े अधिकारी का आपको सहयोग मिल सकता है। रोजगार के क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं तो आपके अच्छे जो भी मौके प्राप्त होंगे, लेकिन ऐसे में इस दौरान आपको अति उत्साह में कोई भी डिसीजन ना लेने की सलाह जो है दी जाती है। बात कर लेते हैं सिंह लग्न के जातकों के बारे में। तो सिंह लग्न के जो जातक हैं उनके जो शनि है वो सिक्स्थ भाव जो कि रोग का, कर्जे का, कंपटीशन या शत्रु का भाव है वहां पर वो मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर अधिक एक्टिव नजर आ सकते हैं। इस समय आप अपने शत्रुओं पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपको अपने कार्यस्थल पर अपनी योग्यता साबित करने के कई शुभ मौके मिलेंगे। जो लोग किसी फॉरेन संस्थाओं से जुड़कर काम करना चाह रहे थे या किसी फॉरेन कंपनी में नौकरी ढूंढ रहे थे अब उनकी इच्छा पूरी होने जा रही है। इस समय आप लोग कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कन्या लग्न के जातकों का। कन्या लग्न के जातकों के लिए शनि जो है फिफ्थ भाव जो कि प्रेम का, शिक्षा का, शेयर मार्केट का, किसी क्रिएटिविटी का या संतान का वहां पर वो मार्गी हो। इस दौरान अगर आप कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको भगवान शनि देव का साथ यहाँ पर मिलेगा जिससे आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख शांति समृद्धि आपके आएगी। जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ सभी मतभेदों को सुलझाने में सफल हो सकते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे कि शेयर मार्केट, शेयर में वो ट्रेडिंग करना, इन सबको अच्छा खासा लाभ हो सकता है, लेकिन शर्त यहाँ पर एक है कि आपके चार्ट में शनि और चंद्र की स्थिति अच्छे भावों में होनी चाहिए, अदरवाइज आप धोखा खा सकते हैं। तुला लग्न के जातकों के लिए, तुला लग्न के जातकों की कुंडली में शनि को दो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट फोर्थ और फिफ्थ भाव जो है दिया गया है। फिफ्थ भाव यानी कि संतान के भाव का स्वामी माना जाता है। इस दौरान शनि तुला लग्न के जातकों के फोर्थ भाव यानी कि माता, भूमि, संपत्ति इस भाव में वो मार्गी हुए जो तुला लग्न के जातकों के जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। अब बात करें राशि वालों की जिनके लग्न में तुला राशि में चंद्रमा बैठा हो तो ढेया का बुरा प्रभाव अब कम होगा जिससे आप जीवन के कई क्षेत्रों में पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। उद्योगपति जो लोग हैं इस समय अच्छा खासा वो मुनाफा जो है कमाएंगे और कुछ लोग नया उद्योग भी इस समय लगा सकते हैं तुला लग्न वाले जातक। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के। वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं शनि उनके थर्ड भाव यानी कि बल, साहस, हिम्मत, प्रयास, छोटे भाई बहनों का जो भाव है वहां पर वो मार्गी हुए हैं। इस समय नौकरी पेशा लोगों की ट्रांसफर हो सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापार से जुड़े जो लोग हैं, कई जातकों का योग बना हुआ है आपका। नौकरी से जुड़े कुछ लोग अपनी नौकरी को बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी उनको रुक जाना चाहिए जब तक शनि अपना नक्षत्र नहीं बदलते। इस दौरान आपके संबंध अपने सहकर्मियों से बेहतर रहने की पूरी संभावना है क्योंकि जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं शनि देव श्रवण पर उसका स्वामी आपके चार्ट में नाइन्थ भाव का वो स्वामी है चंद्रमा। इसलिए जो आपके सहकर्मी हैं उनसे आपके रिलेशन जो है काफी अच्छे रहेंगे। जिन प्लानिंग पर या योजनाओं पर आप काम कर रहे थे उनमें आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं धनु लग्न के जातकों के बारे में। इस दौरान शनि धनु लग्न के जातकों के सेकंड भाव फैमिली
सेविंग स्पीच का भाव है, वहां पर मार्गी हुए। इसलिए शनि की मार्ग की जो स्थिति है धनु लग्न के जातकों की, यदि हम कहेंगे तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये सोच सकते हैं कि अच्छी रहेगी, लेकिन सिर्फ सोच सकते हैं, रहेगी नहीं। क्यों? वो इसलिए कि शनि जो है वो श्रवण नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और उसका स्वामी धनु लग्न वाले जो लोग हैं उनके आठ भाव में उसकी राशि पड़ती है चंद्रमा की। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जितनी देर वो चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेगा क्या पैसा डूबता ही रहेगा या पैसा मरता ही रहेगा या पैसा आएगा ही नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं है। कोई भी प्लैनेट हो दोस्तों वो किसी ना किसी नक्षत्र पर गोचर करता है और किसी ना किसी उप नक्षत्र पर या उप उप नक्षत्र पर भी गोचर करता है, ठीक है ना। तो जब जब शनि किसी ऐसे उप पर जाएगा जो उप सेकंड 10 या 11 को सिग्निफाई करेगा, उस समय आपका जो भी रुका हुआ पेमेंट या जो भी रुका हुआ पैसा वो आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा अचानक। अचानक का मतलब जब वो अपना उप नक्षत्र चेंज करेगा, उप नक्षत्र इन भावों से जुड़ेगा, आपको अचानक से है ना, जिस दिन नहीं सोचा होगा पेमेंट मिल भी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो धनु लग्न के जातक 12 लग्नों में से, जो मेरे अपना ओपिनियन है कि इन लोगों को सिर्फ एक ये लग्न छोड़कर बाकी सभी को अच्छा रहेगा, लेकिन धनु लग्न वालों को मिले जुले परिणाम जो है आपको मिलेंगे। जो छोटे भाई बहन आपके, अब छोटे भाई बहन थर्ड भाव से देखे जाते हैं, जब थर्ड भाव से देखिए जहां पर वो शनिदेव जो थर्ड भाव का भी स्वामी है धनु लग्न वालों के लिए, वहां से यदि देखें शनि सेकंड भाव जो कि वहां से 12वां भाव बनता है और चंद्रमा जिसका वो नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं वो वहां से 6th भाव बनता है। मतलब ये हुआ कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, और यदि वो नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं थी तो उनको नौकरी अब मिल जाएगी, या मानिए कि वो किसी फॉरेन संस्थाओं से जुड़कर काम करना चाह रहे थे तो अब उनकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं मकर लग्न के जातक की। मकर लग्न के जातकों के लिए शनि उनके लग्न में ही मार्गी हो रहा है और लग्न हेल्थ है, हमारी पर्सनैलिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ इस समय दौरान आपकी अच्छी रहेगी। कारोबार करने वाले इस लग्न के जो जातक हैं उनको अपनी मेहनत से, मतलब जब मेहनत करेंगे तो आपको लाभ जो है पूरा पूरा मिलेगा। शनि अभी चंद्र के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं भाई, और चंद्र जो है उसका स्वामी, चंद्र का वो भाव जो है वो 7th भाव है आपके चार्ट में, तो इस मतलब ये हुआ। अब देखिए दोनों की नेचर तो अलग अलग है, शनि और चंद्र की, लेकिन क्योंकि वो नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, शनि खुद मार्गी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना चाहते हुए भी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। अब कुंभ लग्न के जातकों की बात कर लेते हैं। कुंभ लग्न के जातकों के लिए शनि जो है आपके 12th भाव पर मार्गी हुए हैं, जिसके चलते 12वां भाव है आध्यात्मिक क्षेत्र, ठीक है ना, वहां पर आपको सफलता मिल सकती है और शनि इसी चीज का कारक है। इसके साथ ही जो लोग विदेशों से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए भी, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यापार करते हैं, तो मार्गी शनि उनके लिए शुभ फलदायी होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय काफी अच्छा रहने वाला आप लोगों के लिए कुंभ लग्न के जातक, लेकिन आप लोगों को अपनी हेल्थ का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि शनि लग्नेश होकर 12वें भाव पर, जो कि हॉस्पिटल का भाव है, खर्च का भाव है, अनफेक्टेड जो भी खर्च होते हैं वहां पर गोचर करेगा, और जिसके नक्षत्र पर कर रहा है वो 6th भाव का स्वामी जो कि रोग करता, ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ का इस समय दौरान काफी ध्यान जो है रखना पड़ेगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए ये जो समय है इसका गोचर जो शनि महाराज का ये अच्छा जाएगा। बात कर लेते हैं मीन लग्न के बारे में। अब मीन लग्न के जातकों के लिए शनि जो है 11th भाव, जो कि लाभ का भाव है, गेन का भाव है, इच्छा का भाव है, हर तरह के डिजायर, अच्छी हो बुरी हो, नैतिक हो अनैतिक हो, जो भी है, वहां पर उसका वो 11वें भाव का आपको लाभ मिलने जा रहा है। इस दौरान व्यापार करने वाले लोगों को आमदनी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके अलावा कई अन्य संस्थाओं से भी अच्छा खासा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संभावना है कि इस समय आप अपने व्यापार से काफी खुश और सेटिस्फाइड नजर इस समय आएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब शनि देव जो मार्गी है, एक मिथुन लग्न वाले जातक हैं जिनको मिला जुला आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो मिला जुला प्रभाव उनको मिलेगा। बाकी अदरवाइज ऑलमोस्ट सारी लगन जो है उनको शनि देव जो है अच्छी खासी आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ और खुशियां, सुख समृद्धि देने जा रहे हैं। तो ये थी शनि देव के ऊपर आज की एक छोटी सी चर्चा। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नए एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।